बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना खालिद, आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। मलाई से मक्खन तैयार करने लगे। ये मलाई वो है जो हम रोज दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर से मलाई उतार उतार के मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी। इसको मैंने एक घंटा हो गया फ्रीजर से बाहर निकाल के रख लिया था। बिल्कुल आसान तरीके से अब इसका मक्खन तैयार करेंगे। इसको बिल्कुल जाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने इसको ग्राइंडर में डालना है और इसका मक्खन तैयार कर लेना है। जग में थोड़ी थोड़ी मलाई डाल के इसका मक्खन तैयार कर लेंगे। एकदम से आपने सारी मलाई नहीं डाल देनी, नहीं तो मक्खन अच्छे से तैयार नहीं होगा। हाफ ग्लास इसमें सादा पानी डाल लेंगे जो आप नलके का इस्तेमाल करते हैं। इसे ग्राइंड कर लेते हैं जब तक इसके अंदर से मक्खन नहीं निकल आता। इसको मैंने बंद कर दिया, मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिये कितनी आसानी से मक्खन जो है वो तैयार हो चुका है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना जबरदस्त मक्खन तैयार हुआ है। इसको एक बड़े बर्तन में डाली जाते हैं, सारा जब तैयार कर लेंगे फिर आपको मक्खन निकालते हुए दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको निकालना है। फिर से मलाई डालेंगे और मक्खन तैयार कर लेंगे। अगर आप थोड़ी थोड़ी मलाई डाल के मक्खन तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा मक्खन तैयार होगा और जल्दी से भी तैयार हो जाएगा। मक्खन खुद ब खुद इकट्ठा हो जाए तो इसके लिए आपने इसमें बर्फ डाल लेनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले से कर दिया है तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। 5 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको पड़ा रहने देते हैं, फिर इसका मक्खन निकालते हैं। ये देखें मक्खन जो है वो आस्ता आस्ता इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब इस तरीके से हो जाए तो आपने हाथ की मदद से इसको ऐसे घुमाते हुए निकाल लेना। इसके अंदर से इस तरीके से लस्सी भी निकल जाएगी और मक्खन भी निकल आएगा। कैसे निकालते जाते हैं और प्लेट में रखते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखे कितना जबरदस्त मक्खन हमारा निकल के तैयार हुआ है। ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया मक्खन निकालने का, इस पे कोई टाइम नहीं लगता। अगर आप बर्फ डाल के निकालेंगे तो ये बड़ी जल्दी से निकल जाएगा, बड़ी जल्दी इकट्ठा होगा आपस में, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है तो आपस में चिपकने लग जाता है। इसी तरीके से इसका भी पेड़ा तैयार करते हैं। पहले गांव में जब चाटी की लस्सी बनाते थे तो इस तरीके से उसमें से मक्खन निकाला जाता था। जब भी मैंने दादी अम्मा के पास लस्सी लेने जाना तो इस तरीके से दादी अम्मा ने छोटा सा पेड़ा बना के मुझे लस्सी में डाल देना। मुझे मक्खन बहुत पसंद था तो मैं बड़े शौक से खाती थी। आज मुझे देखे इस तरीके से घुमाते हुए लस्सी के अंदर से मैंने सारा मक्खन निकाल लिया, बिल्कुल मक्खन नहीं है। तो अगर आप बर्फ डाल के निकालेंगे तो बड़ी आसानी से सारा मक्खन बाहर आ जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही जबरदस्त मक्खन निकल के तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जो ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।